नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, विरोध में ग्रामीणों ने लगाया जाम। जालौन के एक ग्राम में कुछ अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने जालौन उरई मार्ग पर सुबह के वक्त जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और तत्काल अंबेडकर की प्रतिमा को ठीक कराया गया। ये क्या घटना हुई है? यहाँ नए वर्ष पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर पुताई भी की। इससे कार्यक्रम हमारा चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग कार्यक्रम खत्म करके अपने अपने घर चले गए, सुबह आकर देखा तो यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति की किसी ने, अराजक तत्वों ने मूर्ति की उंगली तोड़ दी है। तो क्या कर रहे हैं? हम लोगों में रोष व्याप्त है और मैं चाहता हूँ कि इसमें दोषियों को सजा मिले और कोई निर्दोष पकड़ा जाए, क्योंकि ये बाबा साहब की बात है और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर। क्षतिग्रस्त करने किया है, क्या है पूरा मामला? ये थाना कोतवाली उरई के अंतर्गत कुकर गांव एक गांव पड़ता है, जहां माननीय अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। कल 1 जनवरी के अवसर पर उसकी रंगाई पुताई साफ सफाई का कार्यक्रम स्थानीय लोगों ने किया था। आज सवेरे जानकारी मिली कि उस प्रतिमा की एक उंगली क्षतिग्रस्त है, जिस पर तत्काल सीओ सिटी इंस्पेक्टर कोतवाली पुलिस बल के साथ गए, वहाँ लोगों से बातचीत की, लोगों को विश्वास में लेते हुए उसकी मरम्मत का कार्य कराया गया, यथास्थिति बनाई गई और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस शरारत के पीछे किसका हाथ है। पूछताछ के बाद जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेश है जालौन से अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।